वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज वर्सेस वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर यानी कि ये सुपर ओवर होने वाला जसप्रीत बुमराह वर्सेस कैप्टन कोल एमएसडी के बीच में, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा धोनी और बुमराह के बीच में ये कंपटीशन जो चल रहा है इसके अंदर यहाँ पे कौन बाजी मारने वाला है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहाँ पे ओपनिंग करने वाले हैं एमएसडी और एमआई के लिए गेंदबाजी करने वाले हैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह। तो जरा कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिएगा भाई लोग फटाफट से। तो चले चलते हैं टॉस की तरफ। टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तो एमएसडी हमेशा की तरह टॉस उछालेंगे, चाहे स्टेडियम मुंबई हो या फिर चेन्नई हो। तो यहाँ पे अंपायर तो इस तरह हमारी और ही कर पा रहे, तो यहाँ पे क्या टॉस विन कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने, कैप्टन कोल ने टॉस विन कर लिया और टॉस विन करने के बाद पहली बार में बल्लेबाजी करने का फैसला, और धोनी रहना बेस्ट जोड़ी कहने का यहाँ पे सुपर ओवर के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो वहीं पे मुंबई के लिए यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग इनका नाम है वैसे। फिलहाल पहली गेंद धोनी के सामने और गुड लेंथ के ऊपर गेंद डालने का प्रयास किया, और यहाँ पे इस गेंद को एडवांस शॉट खेलना है बेहतर समझेंगे एमएसडी। और बिल्कुल पहली गेंद पे यहाँ पे कैप्टन कोल ने जड़ दिया 4 रन। तो यहाँ पे इसी बटल के अंदर कहीं ना कहीं धोनी ने पहले गेंद पे 4 निकाल के कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि कैप्टन कोल कितने कैप्टन यहाँ पे मारने जाएंगे और इस बटल के अंदर कौन बाजी मारने वाला, वो तो वक्त ही बताने वाला है। फिलहाल यहाँ पे सेकेंड बॉल एमएसडी के सामने, क्या बुमराह पे वापस भारी पड़ने वाले हैं एमएसडी। सेकेंड बॉल और इस बार चकमा दिया, हल्का से एक्स्ट्रा बाउंस इस गेंद पे मौजूद था और फ्रंट फुट पे लॉफ्टे शॉट खेलने का फैसला गलत था। तो यहाँ पे बुमराह ने तो वापसी कर ली, क्या धोनी वापसी कर पाएंगे थर्ड गेंद पे। यहाँ पे टॉप एज बल्ले का और चौका निकाल देंगे एमएसडी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, एक बार ये पंच करते हैं तो एक बार ये पंच करते हैं। तो पहले 3 गेंद के अंदर आ चुके हैं, 2 चौके और 1 डॉट गेंद। तो चौथी गेंद कहां पे डालने का प्रयास करेंगे जसप्रीत बुमराह, वैसे फील्ड खोल दिया है इन्होंने, तो इस पर वापस एडवांस शॉट ट्राई करने वाले, एडवांस शॉट पे एक और चौके क्या लगा पाएंगे, लेकिन इस बार ग्लिच हुआ और वापिस से बुमराह की वापसी, किस्मत का सहारा यहाँ पे कहीं ना कहीं बुमराह को भी मिलता हुआ। 5वीं गेंद फिर से वही शॉट दोहराएंगे और इस बार रोमन देंगे अपने आपको 5वीं गेंद धोनी के लिए। और यहाँ पे बुमराह की बहुत ही बढ़िया लाइन और गेंद बढ़िया, और बुमराह ने फिर से वापस कर लिया इस सुपर ओवर के अंदर। तो आखिर गेंद है और अगर धोनी बाउंड्री नहीं मार पाएंगे तो इस बटल के अंदर कहेंगे बुमराह आगे आ जाएंगे। फिलहाल आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट, एडवांस शॉट और जड़ दिया क्रैकिंग 6। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल कि इस बटल को बुमराह ने विन करा या फिर धोनी ने, वैसे आप सभी कमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से इस ओवर के अंदर कौन बेस्ट खेला है। फिलहाल यहाँ पे मुंबई को विन करने के लिए करने पड़ेंगे यहाँ से 15 रन। और एमआई के लिए आते हुए यहाँ पे कप्तान खुद रोहित शर्मा और केरन पोलार्ड पावर। तो यहाँ पे एक और कॉम्पिटिशन, विंडीज वर्सेस विंडीज, ड्वेन ब्रेबो वर्सेस केरन पोलार्ड, कौन बाजी मारेगा। वैसे पहले गेंद बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाले इस सुपर ओवर के अंदर, तो फटाक से अब फील्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो पहली गेंद कहीं ना कहीं काफ़ी रोचक होने वाला और उसके अकॉर्डिंग ही फील्ड सेट करना पड़ेगा, जितना परफेक्ट गेंद कर पाएंगे उतना ही मौका होगा यहाँ पे ड्वेन ब्रेबो का बाजी मार लेने का, और उतना ही मौका होगा चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस सुपर ओवर को सुपर तरीके से विन कर लेने का। तो पहली गेंद इस सुपर ओवर के अंदर केरन पोलार्ड के लिए, और पोलार्ड का नाम ही काफ़ी है पर गेंदबाज को परेशान करने के लिए। पहले गेंद कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है और फील्डर के हाथों में शॉट, दीपक चहर वहाँ पे और बहुत ही बढ़िया फील्डर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कैच छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कहीं ना कहीं पोलार्ड को पता है कि उन्होंने गलती कर दी इस गेंद पे शॉट खेल के, ये बढ़िया कर सकते थे अगर इस गेंद को लीव करते या फिर ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास करते, लेकिन ड्वेन ब्रेबो की सुरवर गेंद को पर नहीं पाए केरन पोलार्ड, और यहाँ पे एमआई ने गवा दिया सुपर ओवर के अंदर पहला विकेट। अब 5 गेंद बाकी है 15 रन, यानी कि प्रति गेंद करने पड़ेंगे एमआई को विन करने के लिए 3 रन, यानी कि अगर 2 खराब गेंद मिल जाएंगे एमआई को या फिर 3 खराब गेंद तो 3-6 लगा देंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे। और सेकेंड बॉल यहाँ पे रोहित शर्मा सेकेंड बॉल यहाँ पे शायद गेंद परफेक्ट पड़ा है क्या ड्वेन ब्रेबो की ओर से, एक और बार गेंद बहुत ही बढ़िया
लेकिन इस बार रोहित शर्मा देखिए 2.0 के अवतार में और बनकर डिविलियर्स जड़ दिया, यहाँ पे क्रैकिंग सिक्स गेंद को डिपॉजिट कर दिया स्टैंड्स के अंदर, क्रैकिंग सिक्स था वैसे गेंद पे और बचने का कोई मौका नहीं। गेंदबाज के पास चार गेंदे और 9 रन अभी और चाहिए होंगी, मुकाबला अभी काफ़ी रोचक होने वाला है। गेंदबाज के साइड में बदलाव और ड्वेन को वापसी करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं कहना ये गलत नहीं होगा कि मुकाबला बराबरी पे है और यहाँ पे कहीं ना कहीं और छह का संकेत होने वाला हिटमैन की ओर से और सामने की तरफ जड़ दिया एक और बार स्टैंडर्ड डिलीवर शॉट, दे दिया 6 रन। अब यहाँ पे तीन गेंद में सब 3 रन चाहिए होंगे कहीं ना कहीं मुंबई को और मुकाबला शायद मुंबई के पाल में झुक रहा है। यहाँ से हिटमैन का विकेट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कम से कम 2 परफेक्ट गेंद करवाने पड़ेंगे, लगातार गेंद परफेक्ट करवाएंगे तो ही मुकाबला विन करेंगे। और इस बार हिटमैन थोड़ा सा आ गया है शॉट खेलने को, तो हमें तो यहाँ पे इनका स्टंप दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे आउट स्विंग गेंद पे विकेट निकाल पाएंगे या फिर रोहित शर्मा का है या फिर यहाँ पे एक सोता समझा चाल भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रंट फुट पे लेफ्ट शॉट खेलने को, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, गेंद पहले ही आ गई और यहाँ पे स्टंप निकालने में कामयाब रहे ड्वेन ब्रेवो। काफी रोचक मुकाबला रहा चेन्नई और मुंबई के बीच में, अगर रोहित शर्मा यहाँ पे बल्ले से बॉल को कनेक्ट करवा देती तो इस मुकाबले को विन कर जाते कहीं ना कहीं मुंबई की टीम। सो भाई वीडियो एंड करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ना करें लेकिन कमेंट जरूर कर देना ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कौन कौन हमारे चैनल के साथ कब से जुड़े पड़े, तो हर एक वीडियो के अंदर कमेंट कर दिया करो। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से भाई एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहे भाई।